Good morning to all. I am Nimrata and I will teach you maths. Now today's our topic is pairs of angle. हमने पिछली ही क्लास में जो किए थे टाइप्स ऑफ एंगल किए थे, मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें क्या किया था हमने, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल की जो टाइप थे वो किए थे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है टू एंगल्स के बारे में बात करेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल, एंगल के पेयर के बारे में। तो देखिए जो हमारे टू टाइप्स हैं इसमें, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो उनके बारे में हम सीखेंगे। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? देखिए टू एंगल्स whose sum is 90 degree आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे टू एंगल जिनका सम होगा 90 डिग्री उनको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ एक एंगल बनाया हुआ है, आपको सभी को नजर आ रहा है क्योंकि आपने राइट एंगल ट्रेनिंग की है, मैं राइट एंगल एंगल सॉरी। तो देखिए ये राइट एंगल है, बिल्कुल सीधा बना हुआ एक एंगल, और इस 90 डिग्री में से हमने क्या बना दिए, टू एंगल्स बना दिए, एक है 50 डिग्री एक है 40 डिग्री। तो दोनों का मेजरमेंट क्या है, 50 एंड 40, 50 और 40 को जब आप ऐड करेंगे कितना डिग्री बनेगा आपका, 90 डिग्री। तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देख पा रहे हैं ये मैंने एंगल ड्रॉ किया और इसमें से देखिए टू एंगल है, एक एंगल ये हमारा कौन सा है, ये जिसको सी ओ बी नजर आ रहा है सभी को, इसको हाथ रखते हैं नीचे वाले पे, सी ओ बी एक एंगल ये है, कितने डिग्री का है ये, 50 डिग्री का। देखिए अगर मान लीजिए आपको नीचे वाले एंगल बताए नहीं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको दे दिया एक एंगल 50 डिग्री का, बोला कि एंगल निकालिए और ये कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपने क्या किया, COB आपने देखा, तो COB कितने डिग्री है, 50 डिग्री। अब आपको ये फाइंड आउट करना है एंगल ये क्या है, BOA। तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, आपको पता है कि इनका टोटल का मेजरमेंट क्या है, COA जो एंगल है हमारा वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल COB जो हमारा है वो है कितना, 50 डिग्री है ना, नजर आ रहा है COB कितना डिग्री, 50 डिग्री। हमें निकालना क्या है, एंगल COA, अभी हमें पता नहीं है तो ये सेम है और सभी को मालूम है कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ ये जो दोनों एंगल है क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो देखो आपने रखा है आपने 90 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गई, मुझे पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री। जो ये मेरा 40 डिग्री आंसर आया है ये क्या है, COA मींस सॉरी COA नहीं BOA, 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 क्लियर, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था यहाँ सी। तो ये एंगल BOA हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री। आपसे रीजन पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो दो ऐसे एंगल जिनका क्या होगा सम, 90 डिग्री, टू ऐसे एंगल जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री, वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, टू एंगल्स, दो एंगल, वो दो एंगल whose sum जिनका सम क्या होगा, 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। वो दो एंगल जिनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, वो क्या कहलाएंगे, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, मींस टू एंगल्स का सम। देखिए यहाँ पर आपको सभी को पता है एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, स्ट्रेट एंगल, और उसका मेजरमेंट क्या होगा, 180 डिग्री। पिछली क्लास में बता चुकी हूँ एक स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का, और वो कितना जो हम क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ बात हो रही है कि 180 डिग्री टू एंगल्स का सम होगा,
देखिए मान लीजिए आपको बता दिया 130 डिग्री इसका सम है एक एंगल का, एंगल आर क्यू एस कितने डिग्री है, 130 डिग्री है, तो आपको दूसरा एंगल निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि सम कितना है 180 डिग्री, कितना सम है 180 डिग्री दोनों का। अब मुझे इसका निकालना है कि ये एंगल कितने डिग्री है, तो क्या करूंगी माइनस कर दूंगी 130 डिग्री को, कितना आया 50 डिग्री, 50 डिग्री, कौन सा एंगल आर क्यू पी, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, वो दो एंगल जिनका सम क्या होगा 180 डिग्री वो क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो एंगल्स का सम क्या कहलाएगा 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि 50 डिग्री है, ये कितना आ गया था 40 डिग्री, प्लस करके देखो कितना आया 90 डिग्री, तो दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री आ रहा है तो क्या है उसका कारण, क्योंकि ये कैसा एंगल है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स को बोलेंगे हम ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। आगे है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो दो एंगल जिनका सम क्या होगा 180 डिग्री वो क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ था हमारा एक एंगल 130 डिग्री, दूसरा एंगल मेरा क्या आया था 50 डिग्री, ठीक है 130 और 50 को जब आप ऐड करेंगे तो सम क्या रहेगा 180 डिग्री, मीन्स ये दोनों एंगल क्या है पेयर है, ये एक ये एंगल एक ये एंगल, और दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आया 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है कैसे पेयर है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है ना, कैसे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, मीन्स आपको बताना है आइडेंटिफाई करना है ढूंढना है कि इनमें से कौन जो है सप्लीमेंट्री है और कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है देखते हैं कैसे पता करेंगे। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, दो एंगल्स का सम क्या मिलेगा आपको टू एंगल्स का सम 90 डिग्री, और आपका जो सप्लीमेंट्री है उसमें क्या मिलेगा टू एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे। हम क्या करेंगे दोनों एंगल्स को ऐड करके देखेंगे, देखो यहाँ लिखा है 160 डिग्री और 30 डिग्री, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आया 190 डिग्री, कितना आया 190 डिग्री। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऐसा कुछ था कि 190 डिग्री समाएगा, नहीं, उसमें क्या था कॉम्प्लीमेंट्री में कि टू एंगल्स का सम क्या रहेगा 90 डिग्री, तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री में तो ऐड होता ही नहीं है। उसके बाद बात आती है सप्लीमेंट्री की, सप्लीमेंट्री में क्या था कि दो एंगल्स का सम कितना मिलेगा 180 डिग्री, पर यहाँ कितना सम है 190 डिग्री, तो हम इसे क्या कह सकते हैं ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना ही ये सप्लीमेंट्री है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सप्लीमेंट्री, ना तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ना ही ये सप्लीमेंट्री, ना तो इसका सम 90 डिग्री आया ना ही हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट देखो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री। आपने पहला ही देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि एंगल्स का दो एंगल्स का सम क्या रहेगा 90 डिग्री, तो वो कैसा एंगल होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स का सम देखिए आ गया ना हमारा। फिर देखो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री 90 डिग्री, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा कि दो एंगल्स का सम आ गया 90 डिग्री, तो हमारा क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद देखिए 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, इसको आप जो सर्कल बना ले ना उसको डिग्री बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 135 एंड 45, नो 135 डिग्री 45 डिग्री, इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आया 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सोचिए दो एंगल्स का सम अगर क्या आए 180 डिग्री, तो वो एंगल क्या कहलाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, कैसे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल,
सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए आप इससे भी याद कर सकते हैं, आपने स्ट्रेट एंगल सीखा था, एस मीन्स एस इज स्ट्रेट और एस इज सप्लीमेंट्री, सम क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पर हमने दो बातें सीखी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, टू पेयर सीखे हैं, इनको रिवाइज करेंगे, हमने ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई करना सीख लिया। ठीक है बेटा, आप घर से करेंगे। गुड बाय।